केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले मोदी के मंत्री ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए गैर मर्यादित बातें कह दी है। चौबे ने राजद नेता राबड़ी को घूंघट में रहने की सलाह दे दी, जिसके बाद राबड़ी देवी और अश्विनी चौबे के बीच काफी कहासुनी होने लगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, मैं राबड़ी देवी के बारे में क्या कहूँ, वह मेरी भाभी है, बेहतर होगा यदि वह घूंघट में रहे। इसके बाद राबड़ी ने चौबे को करारा जवाब दिया है। राबड़ी ने पलटवार करते हुए चौबे से पूछा कि क्या उनकी पुरुषवादी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुरूप है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सीतामढ़ी में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान मीडिया ने जब अश्विनी चौबे से लालू राबड़ी प्रशांत किशोर मामले पर उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि एनडीए में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं राबड़ी देवी के बारे में क्या कहूं, वो मेरी भाभी है, बेहतर होगा यदि वो घूंघट में रहें। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राबड़ी ने दावा किया कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के दूत के तौर पर 5 बार उनसे मिलने आए थे, नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन राबड़ी ने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं होने के कारण उन्हें वापस कर दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे संकेत मिलता है कि जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राबड़ी देवी का करारा जवाब। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी ने अश्विनी चौबे के इस बयान पर करारा जवाब दिया। राबड़ी ने ट्वीट किया कि अश्विनी चौबे जैसे संघी लंपट भूल गए हैं कि मोहन भागवत जैसे बूढ़े संघी लोगों की हाफ पैंट से फुल पैंट हमने ही करवाया था। मनुवादी भाजपाई गुंडे घृणित मानसिकता के महिला विरोधी लोग हैं। ये भाजपाई मानसिक रूप से विक्षिप्त जीव है। पता नहीं घर में अपनी माँ बहन बेटी को कैसे सम्मान देते हैं। राबड़ी देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर ट्वीट किया और लिखा, इनके घर और पार्टी में जो महिलाएं हैं उनके साथ ये लोग ऐसा ही सलूक करते हैं। संघी भाजपाई घोर महिला विरोधी है, इसलिए आज तक कोई महिला संघ प्रमुख नहीं बनी है। चौबे जी ने समस्त महिलाओं का अपमान किया है। चौबे जी अपनी बहन बेटी को घूंघट में रखते हो क्या? चुनावों में इतनी बेशर्मी ठीक नहीं। राबड़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जबरदस्त तेवर दिखाते हुए अश्विनी चौबे समेत पूरे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनो अश्विनी चौबे, पहले तुम्हारी सरकार में मंत्री और महिला नेत्री स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी और वसुंधरा राजे को तो घूंघट में रखिए। भाजपा की महिला नेता छुट्टी घूमेंगी और दूसरी घूंघट में, क्या यही है तुम्हारा महिला विरोधी प्रतिसत्तात्मक संघी संस्कार? राबड़ी ने फिर ट्वीट किया, बेजी औरत के घुगतान के रखा तारू तो काहे के औरत से डर लगता, 5 साल क्षेत्र में ना घूम लू तो औरत तोहार दाढ़ी नोच के बिगना दिए सीन इहे डर लगता, जयबू क्षेत्र में वोट मांगे तो सब औरत से तोहार जवाब मिली, अपना बेटी बहिन के घुगतान के रखा तारा, दूसरे के बेटी के खली घुगताने के कहा तारा। राबड़ी ने फिर ट्वीट किया और चौबे जी को कहा कि चौबे जी घूंघट वाली महिलाओं से इतनी नफरत और भय क्यों है? क्या यही है आपके नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण? क्या ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप जैसे चौबे छब्बे और दुबे की प्रतिसत्ता से सूबे को हमने छुटकारा दिलाया तो उसकी पीड़ा आपके बयान में नजर आ रही है, इतना बेशर्म मत बनिए। इससे पहले राबड़ी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अनेक तरह की लुभावनी डील के साथ महागठबंधन में आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, यहाँ तक कि महागठबंधन से जदयू के अलग होने के बाद प्रशांत किशोर 5 बार हमसे मिलने आए। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार वापस आना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी को 2020 में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं और आप मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दे। वहीं जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश के कबूतर को उन्होंने घर से निकाला। राबड़ी देवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, नीतीश कुमार माफी, और अनेक प्रकार की लुभावनी डील के साथ महागठबंधन में आने को गिड़गिड़ा रहे थे, बार बार उनके कबूतर चिट्ठी लेकर आ रहे थे, एक बार उनके दूत को इस विषय पर बात करने पर मैंने उसे घर से निकाल दिया था, जनता के विश्वास और वोटों का सौदा करने वाले पलटू किसी के भी सगे नहीं है। लालू यादव को पीके ने दी चुनौती।
बिहार में जारी चुनावी समर के बीच जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और लालू यादव के परिवार में जुबानी जंग और तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि जो लोग सार्वजनिक पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में या तो दोषी ठहराए गए हैं या आरोप झेल रहे हैं, वे सत्य के रक्षक होने का दावा कर रहे हैं। लालू यादव जी जब चाहे मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं, सबको पता चल जाएगा कि मेरे और उनके बीच क्या बात हुई है और किसने किसको क्या ऑफर दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि पीके और लालू राबड़ी के बीच ये जंग शुरू कब हुई। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने इस विवाद को छेड़ दिया। लालू यादव की इस किताब में दावा किया गया है कि नीतीश ने महागठबंधन में वापसी के लिए कई बार अपने विश्वास पात्र प्रशांत किशोर को उनके पास दूत बनाकर भेजा था। इस पुस्तक में लालू लिखते हैं, किशोर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं जदयू को लिखित में समर्थन सुनिश्चित कर दूं तो वो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में दोबारा शामिल हो जाएंगे। हालांकि नीतीश को लेकर मेरे मन में कोई करवाहट नहीं है, लेकिन मेरा उन पर से विश्वास पूरी तरह हट चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।